good morning students today i am going to teach you chapter number 11 that is force work and energy of class 4th from cordova science let's start force in our daily life we see many objects around us like books desks chairs and school bags they do not move on their own दे नीड अ पुश और अ पुल टू मूव क्या क्या कहा गया है कि हम अपनी लाइफ में डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं लाइक like बुक है डेक्स है चेयर है स्कूल बैग है पेन pen है पेंसिल है इवन ये पेंसिल है इरेजर है कोई भी शार्पनर है ये ये कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो अपने आप मूव कर सके ये अगर यहाँ पे रखा है तो ये तब तक नहीं रखेगा जब तक हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते या तो हम इसको पुश नहीं करते या तो हम इसे पुल नहीं करते मीन्स कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है अपने आप मूव नहीं कर सकती है उसे मूव कराने के लिए एक पुश या पुल ज़रूरी होता है और इसी पुश और पुल को हम क्या कहते हैं फोर्स कहते हैं पुश और अ पुल अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे जो भी हम पुश या पुल या तो हम उसे धक्का देते हैं या तो उसे हम खींचते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम फोर्स कहते हैं फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ आर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स मस्कुलर फोर्स किसे कहते हैं वो फोर्स जो हमारी मसल्स की थ्रू uh, uh, किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है उसको क्या कहते हैं मस्कुलर फोर्स कहते हैं अब फोर्स क्या है फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो ऑब्जेक्ट पे कुछ इफेक्ट भी होगा या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो उसका शेप चेंज होगा या तो उसका वो स्टॉप हो जाएगी मोशन की पोजीशन से स्टॉप uh, की रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स फर्स्ट फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट क्या होता है फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट ये रखी है तो इसको क्या कर सकता है ये रेस्ट पोजीशन से मोशन की पोजीशन में ला सकता है जैसे यहाँ पे अगर हम इसको मूव कराते हैं जस्ट लाइक दिस पेन ये है ये रेस्ट की पोजीशन में इस पे है इस पर हल्का सा फोर्स लगाया इसमें क्या हो गया मूवमेंट आ गया तो बिना फोर्स के क्या है ये रेस्ट की पोजीशन में बट इसको इस पर जब फोर्स लगता है तो ये क्या हो जाता है ये रेस्ट से मोशन की पोजीशन में आ जाता है नेक्स्ट फोर्स कैन स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट क्या करता है फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में इंक्रीमेंट uh, कर सकता है उनकी uh, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकता है लाइक जनरल एग्जांपल जब हम साइकिलिंग करते हैं हमने साइकिल पैडल जब साइकिल पे पैडल uh, हम uh, मारते हैं तो क्या करती है साइकिल चलती है बट जब हम अपना पैडलिंग रोक देते हैं तो क्या होता है स्पीड कम होने लगती है बट अगेन जब हम पैडलिंग स्टार्ट कर देते हैं और पैडलिंग हम कैसे करते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं लेग के थ्रू मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जब हम अगेन पैडलिंग स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होती है साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है नेक्स्ट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट सिंपल एंड ईजी एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ जब हम बैडमिंटन बैद्मिन्ट, खेलते हैं तो हमारा जो ओपोनेंट होता है वो जब अः शटल कॉक को पुश करता है अपनी तरफ से वो हमारे साइड शटल कॉक हमारे साइड पे आती है फिर हम क्या करते हैं उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपोनेंट के साइड पे भेजने के लिए क्या करते हैं फिर से उसको पुश करते हैं तो इससे क्या होती है जो ये शटल कॉक ये राइट साइड में आ रही होती है वो हम जब पुश करते हैं तो वो लेफ्ट साइड में चली जाती है फिर जब उधर से उसे पुश मिलता है तो फिर वो राइट साइड में चेंज हो आ जाती है तो इस तरीके से क्या होता है इसका जो डायरेक्शन होता है वो भी फोर्स की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है नेक्स्ट फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट ईजी एंड सिंपल एग्जाम्पल जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है जो बैट्समैन होता है बॉल को पुश करता है तो वो क्या करती है दूसरे डायरेक्शन में मूव मूव करती है बट जब हम उसको कैच कर लेते हैं फोर्स जब मूविंग ऑब्जेक्ट आता है तो हमें फोर्स लगा के ही तो बॉल को कैच करना होता है और जब हम कैच कर लेते हैं तो क्या होता है वो मोशन के पोजीशन से किस पोजीशन में आ जाती है रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है मींस किसी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की पोजीशन में है तो हम फोर्स की हेल्प से उसे मोशन की पोजीशन में ला सकते हैं और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन की पोजीशन में है तो उसको हम रेस्ट uh, की पोजीशन में भी ला सकते हैं फोर्स की हेल्प से नेक्स्ट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोर्स क्या करती है किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकती है ईजी एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ जो घर में मम्मी लोग रोटी बनाती हैं उनमें क्या होता है वो जो वीट डो होता है उस वो उसका एक सर्कुल सर्कल बनाती हैं सर्कुलर उसका एक डो का कुछ पार्ट लेती हैं फिर उस डो को क्या करती हैं मम्मी लोग फोर्स लगा के उसको बेलती हैं जिससे वो क्या करती है पूरी एक ब्रेड में कन्वर्ट हो जाती है तो फोर्स लगा के ही हम डो से उसको रोटी बना लेते हैं ब्रेड बना लेते हैं इसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है ये बलून है ये एक बलून है और ये बॉय क्या कर रहा है इस पर फोर्स लगा रहा है और इसका शेप क्या हो जा रहा है चेंज हो जा रहा है नेक्स्ट फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट फोर्स क्या करता है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऐसा नहीं है कि सिर्फ आ, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में और मोशन से रेस्ट में ला सकता है इवन वो उस ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्लो डाउन भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है जैसे आ, ये जो झूला झूल रही है ये लड़की ये बॉय अगर इसको पकड़ लेता है फोर्स लगा के इसको धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करता है इसको रोकने की कोशिश करता है तो वो एक बार रोकेगा तो इसका जो झूला है स्विंग है वो थोड़ा सा धीरे होगा फिर अगेन वो जब इसको रोके पकड़ेगा तो फिर वो और धीरे होगा तो इस तरीके से फोर्स को अप्लाई करके हम किसी ऑब्जेक्ट के मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी कम कर सकते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फोर्स देर आर टू टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट ऑल टाइम दो फोर्स ऐसे हैं वर्ल्ड में ऐसे फोर्स फोर्स तो बहुत टाइप के होते हैं बट दो फोर्स ऐसे हैं जो ऑल टाइम ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करते हैं फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकेंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी वेन वी थ्रू एन अ बॉल अप वर्ड इट कम्स डाउन ऑन इट्स ओन वाई डज इट हैपन क्या होता है जब हम कोई भी बॉल ही की बात नहीं है सिर्फ एक बॉल ही नहीं है कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम आ, हम उसे ऊपर हवा में फेंकते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो हवा में ही ऊपर चली जाती है वो क्या करती है वापस से अर्थ पे आती है ऐसा क्यों होता है इट हैपन्स बिकॉज द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट्स टूअर्ड्स इट सेल्फ इसलिए होता है क्योंकि अर्थ की तरफ से अर्थ का जो सेंटर है उसकी तरफ से हर एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाया जाता है ऑब्जेक्ट क्या अर्थ क्या करती है ऑब्जेक्ट्स को अपने अपने सेंटर की तरफ पुल करती है खींचती है द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टूअर्ड्स इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी और इसी फोर्स को क्या कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स जिसके थ्रू अर्थ जो ऑब्जेक्ट्स है उनको अपनी तरफ पुल करती है अपनी सेंटर अर्थ के सेंटर की साइड पुल करती है उस फोर्स को क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी इसी फोर्स की वजह से हम अर्थ से बाउंडेड हैं मून पे यही नहीं फोर्स नहीं है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है जिसकी वजह से मून में लोग हवा में उड़ते रहते हैं Even इवन uh, an object is at rest, force of gravity acts on it. जब कोई ऑब्जेक्ट ये जैसे बॉल ये ग्राउंड पे पड़ी हुई है तब भी इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो ये जो बॉल है ये अर्थ पे नहीं होगी ये हवा में कहीं पे भी उड़ती रहेगी नेक्स्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेन यू रोल अ बॉल ऑन अ फ्लोर इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स वाई डज इट हैपन क्या होता है ऐसा तो नहीं होता है जब कोई बैट्समैन uh, किसी बॉल को पुश करता है उसको मारता है या फुटबॉलर किसी बॉल को किक करता है तो वो uh, आगे ही चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है वो कभी रुकती नहीं ऐसा तो नहीं होता वो क्या होती है धीरे धीरे स्लो होती है और एट लास्ट क्या होती है रुक जाती है बट ऐसा होता क्यों है इट स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट जो भी मूव कर रहा है उस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स अ फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन द अदर सर्फेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन कैसा फोर्स होता है ये जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है तो उन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में एक फोर्स काम करता है जैसे ये फ्लोर है ये बॉल है इनके कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम क्या कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं और इसी की वजह से ये बॉल कुछ टाइम बाद आगे जाने के बाद रुक जाती हो अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो ये ऑब्जेक्ट रेगुलरली मूव करती रहेगी हम जो अर्थ पे चल पाते हैं ये पेन के पेंसिल के थ्रू हम कुछ लिख पाते हैं ये सब किस वजह से होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में क्योंकि ये जो पेपर है और ये पेंसिल है पेंसिल का जो पॉइंट और पेपर है इसके बीच में भी एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क कर रहा है जिसकी वजह से हम लिख पा रहे हैं इट एक्ट्स बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एज ए से दोनों जो सर्फेस है ये इसका ये जो पॉइंट है और ये जो पेपर है इसके सर्फेस के बीच में कॉन्टेक्ट सर्फेस के बीच में ये फोर्स वर्क करता है स्मूथ सर्फेसिस लाइक ग्लास और आइस कॉज लेस फ्रिक्शन बाई रफ सर्फेसिस लाइक अ कार्पेट प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन क्या होता है uh, जो रफ सरफेस होती हैं जिन uh, जैसे दो ऑब्जेक्ट uh, एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं बट एक जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है रफ है तो उनके बीच में जो फ्रिक्शनल uh, फोर्स है वो uh, कम होता है बट जो स्मूथ सरफेस होती हैं उनमें क्या होता है जो स्मूथ सरफेस होती हैं स्लिपरी सरफेस होती हैं uh, उन उनमें क्या होता है उनके बीच में क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है तभी तो जब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है जब कोई स्लीपरी सरफेस होती है हम अगर उस पर मूव करते हैं तो फ्रिक्शन की फ्रिक्शन ड्यू टू लैक ऑफ फ्रिक्शन हम क्या करते हैं स्लिप हो जाते हैं गिर जाते हैं इन आर डेली लाइफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू सर्टेन एक्टिविटीज इन द एबसेंस ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है हमारी डेली लाइफ में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि हम परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे अगर फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा सो फ्रिक्शन इज इसेंशियल फॉर अर्स इन फॉलोइंग वेज इसलिए फ्रिक्शन क्या है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसेंशियल है फर्स्ट राइटिंग ऑन रफ सरफेस इज ईजियर देन राइटिंग ऑन स्मूथ सरफेस। जब कोई कोई पेपर अगर हम लें उस पर अगर ऑयल लग जाता है तो उस पर लिखना टफ होता है बट अगर हम सिंपल पेपर लेते हैं उस पर जब हम लिखते हैं तो वो इज़ीली हम उस पर लिख पाते हैं क्यों क्योंकि जब ऑयल लग जाता है तो वो जो उसकी सरफेस हो जाती है वो ग्रीसी हो जाती है ऑयली हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है वो थोड़ी सी स्मूद uh, हो जाती है और उस पर लिखना ईजी हो जाता है बट जो ये नॉर्मल सर्फेस होती है उस पर हम ईजली लिख पाते हैं ड्यू टू द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इट इज डिफिकल्ट टू वर्क ऑन एवरी स्मूथ सर्फेस एज कम्पेयर टू अ रफ सर्फेस आई एज आई सेट कि किसी भी स्लीपी सर्फेस पर जब हम चलते हैं तो क्या होता है बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है चलने में uh, बहुत अनकंफर्टेबल फील फील होता है बट जो एक रफ़ सरफेस होती है उस पर हम लोग बहुत ईजिली चल पाते हैं रफ़ सरफेस मीन्स ऐसा भी नहीं कि एकदम टूटी ही रोड uh, हो बेकार सी हो बट जो नॉर्मल रोड होती है उस पर चलना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू जिस किसी रोड पर अगर हम ऑयल uh, गिरा हो या वहाँ पर बहुत सारी बर्फ हो तो उस पर चलना प्रॉब्लमेटिक होता है क्यों क्योंकि जहाँ पे ऑयल होता है आइस होती है वहाँ पे क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है बट रफ सरफेस के बीच में जो हमारा फूट होता है फूट और जो रोड होती है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं वी कैन स्लिप ऑन अ स्मूथ सर्फेस आर्ट it इट less लेस फ्रिक्शन हम क्या करते हैं Uh, क्या जब हम स्मूथ सरफेस पे चलने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी क्या होता है हम स्लिप कर जाते हैं गिर भी जाते हैं ओके क्लास दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर इलेवन दैट इज फोर्स वर्क एंड एनर्जी फॉर द वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू स्टूडेंट्स